चाओ एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। मैं योगी अजीतानंद कृष्णा अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बहुत सी समस्याएं, बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत से तनाव लोगों को घेरे हुए हैं। इन सभी के बीच करीब 100% में से 95% लोग बहुत ही भयंकर बीमारी से ग्रसित हैं। उस बीमारी का नाम क्या है? कब्ज, गैस। मतलब खाते बहुत हैं, सुबह जब शौच के लिए जाते हैं, लैट्रिन के लिए जाते हैं, तो पेट साफ नहीं हो पाता, दिन भर पेट भारी भारी सब बना रहता है, और हमेशा एक तरह से वो कहीं ना कहीं खाने की इच्छा होती है बहुत ज्यादा, लेकिन वो खा नहीं पाते। चेहरे की खुशी और प्रसन्नता बिल्कुल ही गायब हो जाती है। तो इसको हम संपूर्ण योग के माध्यम से कैसे हम निदान कर सकें, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। कब्ज के लिए कौन कौन से मुख्य रूप से योगासन हैं, उस पर हम करेंगे और निरोग रहेंगे। ताकि इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो आपसे आत्मीय निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए, मैं चर्चा करने वाला हूं कब्ज। दोस्तों, कब्ज सभी बीमारियों की एक महाजननी है। शुरुआत में तो आपको कब्ज पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे कब्ज कैसे आपको जकड़ लेगा अपने गिरफ्त में, आप उससे छुटकारा पाना नामुमकिन। कब्ज को कई तरीके से दूर कर सकते हैं। कब्ज बहुत सारे घरेलू उपाय हैं, आयुर्वेदिक उपाय हैं, चूर्ण हैं, लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा कब्ज के लिए योग, कौन कौन से हम मुख्य तीन योग, तीन आसन आपको बताऊंगा, जिसके लिए आपको फायदा करेगा। मैं स्वयं करीब 16 सालों से इन आसनों का अभ्यास करता हूं, नियमित करता हूं, और उससे मुझे काफी फायदा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं आप भी इन तीन आसनों का अभ्यास करेंगे और निरोग रहेंगे। वो तीन आसन कब करें, कैसे करें और कितनी मात्रा में करें, इस वीडियो के मैं अंत में बताऊंगा। उसको पूरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उसका पालन करिएगा। तो दोस्तों, आइए मैं इस वीडियो को प्रारंभ करता हूं, और हमारे साथ हमारे 4 वियतनामी मेंबर भी इस कब्ज के लिए योग का अभ्यास करेंगे, और आप भी योग करिए, निरोग रहिए। उम्मीद करता हूं आप कब्ज से 100% आपका इलाज संभव है योग के माध्यम से। आइए हम कब्ज के लिए योग। सर्वप्रथम हम सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को साइड की तरफ से उठाते हुए उंगलियों को एक दूसरे लॉक करें, श्वास को भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे, पैरों की एड़ियां जमीन से उठी हुई, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं नीचे, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए पुनः नीचे आएंगे, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, जितना ऊपर खींच सके शरीर को खींचें, फिर वापस श्वास छोड़ते हुए। अब अगला अभ्यास करेंगे त्रियक ताड़ासन का। दूसरा अभ्यास कब्ज के लिए, दोनों पैरों के बीच में करीब कंधे के बराबर दूरी बनाएं, पुनः श्वास भरते हुए हाथों को उंगलियों को लॉक करें, श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ झुकें, श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं तरफ झुकें, श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए पुनः दाहिने तरफ झुकें, श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं तरफ झुकें, श्वास भरते हुए सीधा।
श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ, श्वासों को भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ, फिर वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब करेंगे तीसरा अभ्यास कब्ज के लिए, इसका नाम है कटी चक्रासन। श्वास भरते हुए आगे हाथों को सीधा रखें, छोड़ते हुए दाहिने तरफ घूमेंगे, बाया हाथ कंधे पर, दाहिना हाथ पेट पर लाने का प्रयास करें। ठीक इसके उल्टा साइड बाएं तरफ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापिस श्वास भरते हुए सीधा, फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ, वापिस श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ, श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ, श्वासों को भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ, श्वासों को भरते हुए सीधा। ये तीन आसन है कब्ज के लिए। सीखा जो कब्ज के लिए रामबाण उपाय है। इन तीन योगाभ्यास का नाम तड़ासन, त्रियक तड़ासन, कटी चक्रासन। इन तीन योगाभ्यास को हम कब करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप सुबह बिस्तर से उठें तो सर्वप्रथम गुनगुने पानी यथासंभव 3 गिलास 4 गिलास जितना अधिक हो सके। अगर पहली बार पानी पीते हैं सुबह में तो आप शुरुआत 2 गिलास से कर सकते हैं। गुनगुना पानी लीजिए, उस गुनगुने पानी में नींबू लीजिए, नींबू को आधे काट लीजिए, ज़्यादा काटेंगे तो बहुत खट्टा लगेगा, आधे काट लीजिए और आधे को पानी में, गर्म पानी में हल्का सा निचोड़ लीजिए। निचोड़ने के बाद आप आराम से बैठ जाइए, बैठकर ही पानी पीना है, बैठकर पी जाइए। अब पीने के बाद से जो अभी आपने 3 योगाभ्यास सीखे उनके 5-5 बार 4-4 बार जरूर करें, श्वास पर श्वास आराम से करें और उसके बाद से फ्रेश होने के लिए जाएं। तो उम्मीद करता हूं आपका पेट क्लियर साफ हो जाएगा, आप बिल्कुल कब्ज से 100% इलाज हो जाएगा। तो अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ऐसे ही वीडियो मैं आपके पास बनाकर भेजता रहूं ताकि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी स्वस्थ हो, निरोग हो, खुशहाल हो। नमस्कार।